प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने अभी तक ग्लाइकोल के बारे में उसके बनाने की विधियां और उसके भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। अब आज उससे आगे कुछ उनके इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। उसमें से कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पहला है एस्टरीकरण, एस्ट्रीफिकेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एस्टरीकरण ग्लाइकोल का दो तरीके से मुख्यतः हो सकता है। हम ये जानते हैं कि एस्टरीकरण जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर अम्ल और अल्कोहल, इनकी आपस में अभिक्रिया होती है और एक रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप टेक्स प्लेस, इट्स नॉन एज द एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्लाइकोल इज ट्रीटेड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड से सम ऑर्गेनिक एसिड और द डेरिवेटिव ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड लाइक CH3COCl, दैट इज एसिटल क्लोराइड, CH3CO होल ट्वाइस O, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड एंड द एसिटिक एसिड इटसेल्फ। द फर्स्ट रिएक्शन दिस इज एस्टरीफिकेशन, ए अभिक्रिया देखें तो इसमें आप देखें कि H2SO4 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही है और जो ग्लाइकोल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो दोनों रिप्लेस हो गया है एसिटल ग्रुप से। सो इट इज आल्सो नोन एज एसिटलाइटिंग एजेंट, CH3COH, CH3COCl एंड द CH3CO होल ट्वाइस O, दिस ऑल आर द एस्टरीफिकेशन और एसिटलाइटिंग रिएजेंट। सो दिस इज द प्रोडक्ट इज एस्टर ग्लाइकोल डाई एसिटेट। दो एसिटल ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिल समूह को विस्थापित करके यहाँ प्राप्त होते हैं, इसलिए डाई एसिटेट अभिक्रिया है ये एस्टरीफिकेशन। और दूसरा एस्टरीफिकेशन कंसनट्रेट HNO3 यदि हम यूज़ करें, ग्लाइकोल की अभिक्रिया यदि कंसनट्रेट HNO3 से कराई जाती है, पहली अभिक्रिया का बी पार्ट देखें आप ध्यान से, तो यहाँ पर ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट बनता है। इट इज आल्सो नॉन एज द एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ग्लाइकोल का हाइड्रोक्सिल समूह का विस्थापन हुआ है। सो इट इज एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन। नेक्स्ट सी, इट इज आल्सो एन एग्जाम्पल एंड ब्यूटिफुल एग्जाम्पल एंड इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल एस्टरीफिकेशन ऑफ द ग्लाइकोल। तो जब ग्लाइकोल अधिक मात्रा में लिया जाता है और साथ में किसी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है ये। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हम इसमें कहते हैं दो प्रकार के पॉलीमराइजेशन हो सकते हैं, एक तो जिसमें मोनोमर जो होता है वो एक ही हो और दूसरा होता है जिसमें अलग अलग मोनोमर आपस में अभिक्रिया होती है, कंडेंस्ड होते हैं, संघनित होते हैं। तो यहाँ पर ये को पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है, ग्लाइकोल और उसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं किसी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के। तो मैंने आपको जैसे पहले कहा कि एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर ग्लाइकोल और डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया आपस में जब होती है तो यहाँ पर एक पॉलीएस्टर बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रिएक्शन है जिससे कि रेयॉन्स बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं, पॉलिस्टर जिसको हम कहते हैं। तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन का एक उदाहरण है। दूसरी अभिक्रिया है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन विद द एल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ संघनन अभिक्रिया होती है, संघनन अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जिसमें कि दो अणु आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और पानी का अणु निकलता है, एक बड़ा अणु बनता है, उसको संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो कंडेंसेशन एल्डिहाइड के साथ होता है, आप देखिए CH2OH, CH2OH और एसिड एल्डिहाइड, एसिड की उपस्थिति में एल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया होती है तो एक या साइक्लिक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक एसिटेल, इसका नाम है एसिटेल बोलते हैं इसको। और इसी प्रकार से कीटोन के साथ अभिक्रिया होगी, अंतर इतना ही होगा कि एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बन है जो ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है उसमें एक संयोजकता आर से जुड़ी है, एक एच से जुड़ी है और कीटोन के अंदर क्या हो जाएगा, एच की जगह आर, एल्किल ग्रुप होगा, तो यहाँ पर ये कीटेल बनेगा, साइक्लिक कीटेल। तो ये जो संघनन अभिक्रिया ग्लाइकोल की होती है जिससे साइक्लिक एसिटेल और साइक्लिक कीटेल बनता है, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जहाँ पर यदि हम कोई ऑक्सीडेशन अभिक्रिया करवाते हैं
और हम चाहते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड दैट इज कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट किया करना है, उसको परिरक्षित करना है, तो हम फिर ये कंडेंसेशन अभिक्रिया करवाते हैं एसिटेल और कीटेल बना के। तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ग्लाइकोल की है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ग्लाइकोल के अंदर होती है और ये डिपेंड करता है कि ये ऑक्सीकारक कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रकृति और अभिक्रिया की कंडीशन, इसके आधार पर प्रोडक्ट का निर्धारण होता है। सामान्यतः जो ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन होता है उसके अंदर दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक जब ऑक्सीडेशन सामान्य ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि आपके KMnO4 है और HNO3 है, इनकी उपस्थिति के अंदर यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि ये हम लेंगे तो इसमें जब ऑक्सीडेशन होगा तो ग्लाइकोल का जो कार्बन कार्बन बंध है वो नहीं टूटता है, विदाउट द क्लीवेज ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड टेक्स प्लेस इन दिस ऑक्सीडेशन एंड द डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन नंबर 3 ऑक्सीडेशन एंड ए, तो ऑक्सीडाइजिंग जब होगा तो पहला इसका जो CH2OH दो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है, तो एल्कोहलिक ग्रुप का हम जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि नॉर्मल है और सिंपल कंडीशन है तो हमेशा प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीडाइज होता है, तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड ऊपर वाला एक प्राइमरी एल्कोहलिक समूह का ऑक्सीडाइजिंग हो गया और ये CHO में कन्वर्ट हुआ एल्डिहाइड में, तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। अगेन नेक्स्ट ऑक्सीडेशन जब होगा तो CHO का ऑक्सीडेशन किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COH में, तो ये ग्लाइकोलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। और अगेन जब इसका ऑक्सीडेशन हो, यहाँ देखिए कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ग्लाइकोल का वो नहीं टूटता है, वो रिमेन इंटैक्ट, वो ऐसा ही रहता है। देन अगेन इसका ऑक्सीडाइज होगा तो ये ग्लाइऑक्सिल बनता है, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड बनता है और बाद में अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है ऑक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये जो सामान्य ऑक्सीकारक यदि हम प्रयोग में लेते हैं सामान्य अभिक्रिया होती है जिसमें कि कार्बन कार्बन का बंध नहीं टूटता है, तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। और दूसरे प्रकार का जो ऑक्सीकरण है उसमें कार्बन कार्बन बंध जो है ग्लाइकोल का वो टूट जाता है, तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया नंबर 3 का बी भाग जो है इसमें आप देखिए लेड एसीटेट को हमने यूज़ किया है, या तो हम लेड एसीटेट ऑक्सीकारक को यूज़ कर रहे हैं या हाइड्रोआयोडिक एसिड, इसकी उपस्थिति में जब ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर कार्बन कार्बन बंध टूट जाता है और फॉर्मल एल्डिहाइड बनता है। तो ये दो प्रकार के ऑक्सीकरण ग्लाइकोल के अंदर हो सकते हैं, एक जिसमें कि कार्बन कार्बन ग्लाइकोल का बंध नहीं टूटता है और दूसरा जो लेड एसीटेट और हाइड्रोआयोडिक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा तो कार्बन कार्बन का बंध टूट जाएगा। कुछ इस प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे कि एल्कलिक एसिडिक न्यूट्रल परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्रोमिक एसिड, तो उनकी उपस्थिति में जब इसका ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन होता है तो फॉर्मिक एसिड बनता है। तो इस प्रकार से जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो ये मैंने आपको बताया कुछ अभिक्रिया इंपॉर्टेंट, कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उसके बारे में मैं आपको यहां भी बताता हूं, जिसमें एक है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण। यदि किसी भी अणु के अंदर पानी का एक अणु का विलोपन हो जाता है, एक या दो अणु पानी का विलोपित होता है, एलिमिनेट होता है, तो उसको हम बोलते हैं निर्जलीकरण। तो यहाँ जो निर्जलीकरण अभिक्रिया है ग्लाइकोल की वो भी डिपेंड करती है कि आपने निर्जली कारक कौन सा प्रयुक्त किया है। तो निर्जली कारक जो है वह जो कि किसी कार्बनिक यौगिक में से पानी के अणु का निष्कासन करता है उसको हम क्या कहते हैं निर्जली कारक। तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो है इसको हम देखते हैं, जब सामान्य निर्जली कारक आपने यूज किए जैसे जिंक क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, डाइल्यूट कंसंट्रेट HNO3, H2SO4, ये निर्जली कारक, इनकी उपस्थिति में जब ग्लाइकोल को गर्म किया जाता है तो पानी की एक अणु का विलोपन हो जाता है और इस प्रकार से पहले एक प्रारंभिक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो कि अनस्टेबल है और इसके अंदर बाद में टॉटोमेराइजेशन चला वैदा होने से फिर
एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो निर्जलीकरण, अभी निर्जली कारक कौन कौन से लिया आपने, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, कंसंट्रेट H2SO4, HNO3 या एनहाइड्राइज जिंक क्लोराइड, इनकी उपस्थिति में ग्लाइकोल का निर्जलीकरण होने से क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। यदि 500 डिग्री पर यदि हम इसको गर्म करेंगे ग्लाइकोल को, तो फिर पानी का एक अणु निकल के इपोक्साइड बनता है, इथिलीन ऑक्साइड बनता है। और इसी प्रकार से अलग अलग निर्जली कारक प्रयुक्त करने से अलग अलग, यदि यहां पर आपने डायल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई है, तो यहां निर्जलीकरण होने से डाइऑक्सीन बनता है और इस प्रकार से यह अभिक्रिया होते तो यहां पर जब हम अलग अलग निर्जलीकरण कारक का उपयोग करेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। इसी प्रकार से फॉस्फोरिक एसिड यदि हम यूज करते हैं तो फिर पानी के एक अणु का निकलना निर्जलीकरण कहलाता है और यहां पर इथिलीन ग्लाइकोल बनता है, डाइइथाइलीन ग्लाइकोल जिसको हम कहते हैं। तो ये दो अभिक्रिया ग्लाइकोल की ऑक्सीकरण और निर्जलीकरण, ये डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार का ऑक्सीकारक या निर्जलीकारक प्रयुक्त में ले रहे हैं, और इस आधार पर ही कंपाउंड बनते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, ये इसकी विशेषता है। तो इसको आप देखें अच्छी तरह से,